तापसी पन्नू आई थी मेरे ऑफिस में मिताली की वो करने, और मिताली भी आई थी। मिताली फिर मैंने भाव नहीं दिया। चाची राम राम सू। गाइस आज हम आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहे हैं। पहली है कि ये जो लड़की है ये अब भी समोसे खाती है, और ऐसे क्रॉस कर करके समोसे खाए इसने बैठ के, अपने पति की कसम खाने के बाद ऐसे क्रॉस कर करके समोसे खाती है, और अभी ये लड़की इनसे पार्टी की डिमांड कर रही है और कह रही जलेबी मंगा लो समोसे मंगा लो। सर क्या क्या बोला इसने मंगाने के लिए? अरे मेरे ऊपर मेरे को बड़ा प्रताड़ित किया गया है। क्या क्या बोला गया कि रसगुल्ला खिलाओ जलेबी खिलाओ रसगुल्ला बोला गया समोसा भी बोला, और पीछे पिज्जा वाली बात भी चल रही थी। इनके मासूम चेहरे पे मत जाना। और ये वही लड़की है जिसने अपने पति की कसम खाई है कि मैं वो नहीं खाऊंगी। सोचो मैंने तो जिंदगी में कभी इनमें से एक भी चीज नहीं खाई, और इन्हें उस दिन भी क्रॉस बना के वो समोसा खाया है। सुनो ये मासूम चेहरे पे मत जाओ, ठीक है? ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, और पीछे वाले लड़के भी तो बिल्कुल बन जाओ, ये तो है ही झूठा। गौरव सारे का समोसे कैसे खाती है क्रॉस बना के? रस तोड़ती है, चटनी में डुबोती है, फिर दोनों चिपकाती है, फिर है ना? इसने अपने पति की कसम खाई थी कि मैं समोसे नहीं खाऊंगी। हाँ, और उस दिन भी खा ली। सारी कसमें तोड़ी तेरे साथ ही है ना? मेरे साथ ही सारी कसमें तोड़ती है वो। कसम खाने के बाद अगर मान लो आपको कसम तोड़नी है तो ऐसे क्रॉस कर लो। अच्छा ऐसा तो क्रॉस, कसम टूटती नहीं है, बंधी रहती है। बंधी रहती है। अगर कल को मुझे कुछ होता है, यानी कि मेरी ऑफिस की छुट्टी कैंसिल होती है, तो उसका एक इंसान जिम्मेदार होगा, शारिक हुसैन। आई मी एंड माय सेल्फ, तेरी छुट्टी कैंसिल कराने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हो जाए, क्योंकि कल है मेरी मॉर्निंग शिफ्ट। मेरा फोन अभी थोड़ी देर बाद ऑफ होने वाला है, और वो ऑन नहीं होगा परसों तक। मेरी छुट्टी तो कैंसिल नहीं हुई भाई। तेरा ऑफ है गौरव, तेरा क्या ऑफ है? मेरा कल था, और हमारा कल परसों तक तो है, दो दिन की छुट्टी है अपनी। जा कहाँ रहे हैं तुम? सोच रहा हूँ कहीं निकल जाऊँ पहाड़ों में। सबसे पहले नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। मम्मी पहन रही है चूड़ियाँ। सावन आ गया, सावन का मही नहीं, सावन में लग गई आग। हाँ सो भाई साहब नमस्ते जी, नमस्ते जी। सावन में पहनते हैं क्यों? गंदी है? मेरे लिए भी लाई थी। अच्छा हरी चूड़िया लाई है मम्मी अपने लिए। दिखा देती। कल मम्मी गई बाथरूम में, और मम्मी भाग के मेरे पास आई। मैं बोला ऐसे सर पे हाथ लगाया, मैं क्या हुआ? तो कह रही मेरे सर पे ट्रिमर गिर गया, फूट गया। तो मैंने कहा ट्रिमर? तो कह रही नहीं मेरा सर। मैं कहा और ट्रिमर? कह रही मुझे क्या पता। ये हरीश सन है तो इसने केक रहना लायक न, तो सर्फ का डिब्बा के ऊपर धर दिया वो। हाँ। और मैं सर्फ का डिब्बा नू करके तार ला गिर वो मेरा यो टिका मटर दे फूट भी गया। के किसने देखा मेरा? मेरा दुख न कौन देखा सब। आज तो तैयार हो रहे पार्वती हरे हरे, मुझे पार्वती हरे हरे सजना की। मैं दीवी लगाऊंगी मैं तुम्हें सजना है। एक और बहुत बड़ी वजह है सजने की, पापा को मिल गई है छुट्टी, और बस चंद दिनों में पापा आने वाले हैं घर की ओर। और सुबह सुबह हम जिम करके नहा धो के तैयार हो चुके हैं। मम्मी तैयारी कर रही है पापा के आने की, हरी हरी चूड़िया पहन के। तो पापा के आने की खुशी है कि नहीं आपको? हाँ एक महीना तो खुशी मनाते हैं। हाँ। जिस दिन आ जाएगा तड़का एक दिन घट गया जागा, तो परसों दो दिन घट गया तो एक हफ्ता हम चले जाएगा। रात को मैंने बोला मम्मी सर दर्द हो रहा है, मम्मी कह रही एक चाय बना दूं, चाय बना दूं। मैं खुश हो गया, मैं ठीक है एक चाय बना दो अदरक लगा के। चाय लाए वो इतनी कड़वी, मैंने कहा क्या डाल दिया इसमें? कह रही सर दर्द की दवाई डाल दी। मेरा मुंह का टेस्ट और खराब हो गया। बिस्कुट भी खा लिया? पिया नहीं मैंने, इतनी सी बिस्कुट खाया, मुझे लगा मेरा बीमार सा हो रहा है, मेरा मुंह खट्टा हो गया है। बिस्कुट तो मीठा था तो थोड़ा थोड़ा मीठा लग रहा था, फिर मैंने डायरेक्ट एक सिप ली ना, फिर मैंने कहा ये क्या बना दिए हो। आज मैंने ना ऐसा हेयर स्टाइल कर लिया, तो कोई जय बाबा की सावन का महीना चल रहा है, तो मैंने कहा भोले बाबा की तरह मैं हेयर स्टाइल कर देती हूँ, पर कोई मेरे हेयर स्टाइल से ऐसा चिढ़ रहा है, ऐसा चिढ़ रहा है क्योंकि वो बना ही नहीं सकता ऐसा हेयर स्टाइल। क्या बोल रहे थे तुम? भोले बाबा बनने गए थे चामुंडा बन के।
बेटी को, तीन लाइन याद नहीं हो रही है, काम में हाथ बताना पड़ लेकिन काम में हाथ बताना क्या आगे क्या आ रही है, लेकिन काम में तो हाथ बटाना खुद को नहीं आता आनी ना कौन, अरे वो टंग ट्विस्टर है ना इसकी, टंग ट्विस्टर है, टंग ट्विस्टर तुम्हारे लिए, टंग ट्विस्टर मेरे लिए टंग ट्विस्टर नहीं है, चल 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 क्या, लेकिन काम में हाथ बटाना पड़ेगा, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, खाना पकाना आता है, काम में हाथ बटाना पड़ेगा, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, इतनी गंदी एक्टिंग तुम करके दिखाओ, लेकिन काम में हाथ बटाना पड़ेगा, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, खाना पकाना आता है, वाहियात एक्टिंग, जीरो जीरो, तू करके दिखा दे, तू करके दिखा, अभी मेरी रील्स पे, अबे अबे रील्स पे क्या भी दिखा रहे, रील्स पे देख, ओवर एक्टिंग, एक्टिंग में इतने इतना जोश में आ रही है जैसे पूरे हीरोइन ही हो, हैं ये 30 सेकंड में ये हाल है, 10 मिनट की वीडियो बना ली तो ये पता नहीं क्या ही चलाने लगी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, लेट्स गो, चाय तो कम करो माधुरी दीक्षित, भले कैंसिल में गीता माई ठीक हूँ, आई एम गुड एज गीता माँ, कोई मुझे 3 लाइन के लिए मुझे 3 घंटे से नहीं 3 मिनट से ज्यादा, 3 या 9, देखो गाइस मैं कुछ बोलूंगा नहीं है, मतलब 5-6 मिनट तक 3 लाइन के लिए मेरे को सुनाया है कि 3 लाइन याद नहीं हो रही है, और अपनी अपनी एक छोटा सा सेंटेंस है जिसमें सिर्फ 6 वर्ड है वो याद नहीं हो रहा है, उसके लिए 10 रीटेक ले लिए, अल्लाह बचाए आपको, तो मैं कुछ बोल ही नहीं था, भैया रेडी हो के तुम कहाँ जा रही हो, नीचे कच्चा पहन के नंगे पैर, मेरे को एक शॉट देना है अपनी फिल्म के लिए, मेरी आने वाली फिल्म में मैं एक बिजनेसमैन का रोल कर रहा हूँ, अच्छा, उसके लिए मुझे ये पार्ट प्ले करना, डायरेक्टर का नाम, डायरेक्टर का हरीश राठौर, डायरेक्टर का नाम चल चल आ जाओ, डायरेक्टर का नाम चल चल आ जाओ, चंचल किन जाऊं, कौन से स्कूल में पढ़ी रहो, राहुल आप गलती से भी बड़ा एक काम करो, थोड़ा सा टाइम लेके आप झज्जर जाओ ना, भगवान से हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, गलती से ये हरियाणी मत बोलियो, मैं बोलूंगी पड़ोस वाली आंटी आएंगी चाची राम राम सू वो बोले कहाँ से लेके आए चाची पाँव पड़ू सू गली में ऐसे लेट जी में चाची राम राम पैर से दंडवत प्रणाम, चाची नहीं होगा ताई होगा, ताई दंडवत प्रणाम करूं सू, चाची भी कहूंगी, तो मेरा डायलॉग ये है, रोटी बना दिए चावल उबाल दिए, रोटी उबाल दिए रोटी बना दिए चावल उबाल दिए, सब्जी को तड़का मार दिया, बर्तन साफ कर दिए, पोछा मार दिया, ठीक है, अब मुझसे और काम बोलना तुमसे, तुमसे ना पूरा मोनोलॉग है ये भाई, अब मुझसे कोई काम बोलना मत, 1 2 3 एंड गो, रोटी बना दिए सब, 1 2 3 एंड गो, रोटी बना दिए सब्जी बदल दे, सुनो रोटी बना दिए चावल को उबाल दिए, लग जा चावल को उबाल दिए, ये 10वां टेक है, 2 3 गो, सुनो रोटी बना दिए चावल उबाल दिए, सब्जी को तड़का मार दिया है, बर्तन साफ कर दिए, झाड़ू मार दिए और पोछा मार दिया है, अब मैं चला ऑफिस, मुझे कोई काम बोलना मत, ठीक है, और हाँ मैं ऐसे अकड़ में रहता हूँ, यार मेरी चप्पल नहीं आ पा रही, ये चप्पल भी किसी दिन टूट जाएगी, अब गौरव ला के थोड़ी देगा बार बार, कौन गौरव कौन से गौरव से चप्पलें ले रही है तू, चप्पल वाले भैया से चक्कर रहो तुम, चप्पल वाले भैया से चक्कर रहो मेरे पे, हाँ करो चक्कर, यकीन है स्क्रीनशॉट तो नहीं मांग रहा चैट के, मैं क्यों मांगू, मुझे तो दिखाया गया था, अच्छा कौन दिखा रहा था, क्या बोल के दिखाया तुझे, अरे तेरे बंदे ने मैसेज किया है, देख सोनिया ने मुझे भेजा है, अरे आप पेपर पकड़ने वाला गेम कर रहे थे, चलो ना यार आ जा, चल तुम्हें ये हाथ ऐसे रखना है, पॉलिसी इधर आओ ना थोड़ा मेरे साइड आओ, ठीक है, इस हाथ को चेंज नहीं करना है, ठीक है, अरे ऊपर नहीं लेके जाना, यहीं रखना है, और मैं इसको छोड़ूंगा तुम्हें पकड़ना अपने हाथ से, 1 2 3 एंड गो, ऐसे नहीं, 1 2 3 एंड गो, एक बार हार गई मुझे पता था मेरे गेम के एलिमेंट्स तोड़ दिए जाएंगे, इसलिए चल ये लास्ट बार तूने पकड़ लिया जो तू बोलेगी ये फंस गया यार, ये अपनी बात में फंस गया, मैं कहना चाह रहा था तुम समझ नहीं रही हो मैं कह रहा था मेरी चप्पल लेने, कहाँ कौन सी चप्पल, चप्पल खरीदने, ये सुल्तानपुरिया कितना चंट है ना भाई, देखो क्या बोल रही थी, तापसी पन्नू आई थी मेरे ऑफिस में, हाँ मिताली की वो करने, और मिताली भी आई थी, हाँ मिताली, हाँ हाँ फिर मैंने भाव नहीं दिया
ये बताओ तापसी ऑफिस में आई है, तापसी साहब व्लॉग बना लेती, हाय मैम मैं मेरा पति को जानते हो आप व्लॉग बनाता है, वन ऑफ द बेस्ट व्लॉगर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे बोलती ना। तो फिर उसके बाद अगौरव आया, कहता मैडम तापसी पन्नू आई हुई है। मैंने कहा क्या करूं, अरे ब्लॉग बना लीजिए, ब्लॉग और चल जाएगा। ये भगवान, तूने ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा क्या बात है, आज तो मम्मी बिना एसी के बैठ ही नहीं पाते। अरे बैठ के ना पाया, बताओ ना, बता रही मेरे तापसी पन्नू को नहीं जानते, एक बॉलीवुड की हीरोइन है, उसकी फिल्म आने वाली है, वो इसके ऑफिस में आई कल और इसने ब्लॉग ही नहीं बनाया। स्टोरी बता रही हूँ सुनो। कहानी में कुछ तुक नहीं निकलेगा अंत तक, ये आधे घंटे कहानी सुनाती फिर हमें काटनी पड़ती। पूछा मैंने कहा क्या क्या सीन है, कह रहे वो तो निकल गई। मैंने कहा मुझे ब्लॉग शूट करना था, कह रहे आपने पहले क्यों नहीं बताया। बिना बताया निकल गई। हाँ बताया नहीं इसलिए मैंने भाव नहीं दिया। तापसी पन्नू की इतनी हिम्मत, तापसी जी बिना बताए निकल गई। और कह रही मेरे ऑफिस में आई थी, मैंने तो भाव ही नहीं दिया उसको। अरे लड़के जाके सेल्फी ले लेके आए। तापसी जी भाव नहीं दिया आपको किसी ने, क्या फायदा हुआ आपका बॉलीवुड की पिक्चरें बनाने का। तो फाइनली हम पहुंच गए ऑफिस में और सबसे पहले ये व्लॉग एडिट करते हैं डालते हैं। वैसे ही दो तीन दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था, आई नो बहुत सारे लोग बहुत गुस्सा होंगे और कमेंट सेक्शन में बहुत सुनाने वाले, बट थैंक यू ऑल जो भी लोग इतने मतलब इनकंसिस्टेंट अभी रह रहे हैं। सिंपल सी बात है, लाइफ में और भी चीज़ें चलती रहती है बैकग्राउंड में, उन्हें भी मैनेज करना पड़ता है, तो उसके लिए चाहिए होता है एक दो दिन तो महीने में। तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए और कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बैक चुम्मा।